अगर समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को, खासतौर से माइनॉरिटी को, मुस्लिम्स को वोट डालने से नहीं रोका गया तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव सरकार और प्रशासन पर कई आरोप लगा रहे हैं। घोसी उपचुनाव में वोटिंग का दौर जारी है, ऐसे में आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ये सिलसिला बहुत दूर तक भी पहुंचा है क्योंकि आरोप छोटे मोटे नहीं, गंभीर हैं। आगे सुनिए और क्या क्या कह गए रामगोपाल। लेकिन जिस तरीके से 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले से हमारे कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिए गए, एक एक पोलिंग पे 10-10, 20-20 को बैठे रहिए, आप कहीं जा नहीं सकते, हो सकता है उन्हें पुलिस लाइन में बैठा लिया जाए। कल कुछ लोगों को बैठा लिया गया था लेकिन जनता पहुंच गई तो उन्हें छुड़ाना पड़ा कोपागंज थाने से, कोतवाली से। तो स्थिति बहुत अच्छी है, जनता में घोर निराशा है उत्तर प्रदेश की सरकार से, यानी यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी प्रशासन और सरकार दोनों को एक ही कटघरे में खड़ा कर रही है। इसके अलावा सपा की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत भी की जा रही है कि मतदाता सूची में नाम होने के बाद भी हमारे लोगों को ये कह के लौटाया जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है। पुलिस अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके के लोगों और सपा समर्थकों को वोट नहीं डालने दे रही। कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिए थे कि सपा समर्थकों के घरों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी की सप्लाई रोकी जा रही है, कहीं बिजली के तार काटे जा रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी काटा जा रहा है, पानी रोका जा रहा है, इस तरीके के काम अब इलेक्शन के 5 दिन रहे हैं तो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, धमकियां मिल रही है मोहल्ला में जा जा करके। हालांकि प्रशासन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव की बात कहता है। साथ ही डिप्टी सीएम का भी कहना है कि सपा हारने लगती है तो ईवीएम पर सवाल खड़े कर देती है। इससे पहले शिवपाल यादव की तरफ से ये भी बात सामने आई थी कि उन्हें क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है, मगर उस पर भी पुलिस की तरफ से सफाई आ गई। माननीय इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुरूप फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और पोलिंग को टोटली निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाने हेतु ड्यूटियां लगाई गई हैं। वहां जिला और मंडलीय स्तर के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। जो भी शिकायतें आती हैं निर्वाचन माननीय निर्वाचन आयोग की तरफ से हमें प्राप्त होता है, हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं और सभी तरह की शिकायतें जो भी आई हैं उनको निष्पक्ष तरीके से जांच करा के माननीय आयोग को अवगत कराएंगे। दरअसल घोसी उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुका है, ऐसे में छोटी से छोटी बात भी उछलकर बहुत बड़ी बन रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता अपना मन किस ओर बनाती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।